न्यू टैग्ड प्रोडक्ट्स, जो टैग्ड जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लोगो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का, तो भारत के विभिन्न रीजनों में एक इम्पॉर्टेंट वहाँ के जो प्रोडक्ट है उसको टैग किया जाता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है जाता है, जिससे वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़े, वहाँ का वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, भारत में पूरे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर जगह बिके इंटरनेशनल मार्केट में। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के द्वारा हम यहाँ पर ये किया जा रहा है कि नए प्रोडक्टों को विभिन्न भारत के कोने कोने से, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में वो उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो आपने देखा न्यू टेक प्रोडक्ट्स, वाई इट इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई ग्रांटेड द GI टैग टू 8 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द असम रीजन। तो जो चेन्नई में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसने ग्रांट किया है GI टैग किसको, 8 प्रोडक्ट को असम रीजन से, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड सेवरल यूनिक वेराइटीज़ ऑफ राइस बियर। तो वहाँ के ट्रेडिशनल आइटम हैं और कई जो है यूनिक वहाँ के राइस बियर, उनको GI टैग दिया गया है। अबाउट इट एंड द न्यू GI टैग्ड प्रोडक्ट्स, यूनिक वेराइटीज़ ऑफ राइस बियर की बात करें तो वहाँ पे बोडो जौ गवरान, ये जो बोडो जौ गवरान है एक राइस बियर है, और ये एक प्रकार से आप बोडो जो पहले वहाँ पर एक प्रकार का आंदोलन भी बोडो के द्वारा बहुत समय से हो रहा था, और बोडो एक लैंग्वेज है, और ये जो चीन और तिब्बत में बोला जाता है, साइनो टाइबेटन लैंग्वेज है वो, बोला बोले जाने वाला लैंग्वेज है। तो बोडो जो गौरान एक ट्रेडिशनल वहाँ का राइस बियर है। दिस वेराइटी हैज़ द हाइएस्ट अल्कोहल कंटेंट रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 16.11% कंपेयर टू अदर राइस बियर्स। तो जो अदर राइस बियर जो बनाए गए हैं उसके कंपैरिजन में इसका जो थोड़ा अल्कोहल कंटेंट है थोड़ा हाई है, और वो है 16.11%, और ये है बोडो जौ गौरान, तो इसे GI टैग दिया गया है। और ये बोडो जौ गौरान इट इज़ मेड बाय द बोडो कम्युनिटी, ये बोडो कम्युनिटी के द्वारा ही वहाँ पे जो आसाम में रह रहे उनके द्वारा ये राइस बियर बनाया जाता है। मैब्रा जौ बिड़वी, नन एज लोकली नन एज मैबा जू बिडवी और मैब्रा जू बिडवी। दिस बियर इज चेरिश्ड एंड ऑफ्टन सर्व्ड एज अ वेलकमिंग ड्रिंक बाई मैनी बोडो ट्राइब्स। तो जब वेलकमिंग करते हैं किसी चीज़ को, तो वेलकम के समय में ये जो बोडो ट्राइब है इस ड्रिंक को यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड बाई फर्मेंटिंग हाफ कुक्ड राइस, तो जो जो राइस को आधा कुक करके उसे डिकम्पोज किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, और जो हाफ कुक्ड राइस है उसको बाय मायरोंग बोलते हैं, विद मिनिमल वाटर एंड एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाओ विच एक्ट्स एज ए ईस्ट सोर्स। और जब हाफ कुक्ड राइस के साथ थोड़ा सा पानी के साथ इसे जब कुक करते हैं और इसमें थोड़ा अमाव वो ऐड करते हैं जो कि जो ईस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें ईस्ट होता है। तो आपने मैब्रा जौ बिड़वी देखा आपने। अब अगला जो है ये है बोडो जौ गिशी, अनदर ट्रेडिशनल राइस बियर और बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज दैट अंडरगोज फर्मेंटेशन। ये अनदर ट्रेडिशनली राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है, आपका बेवरेज है दैट अंडरगोज फर्मेंटेशन, इसे भी फर्मेंटेशन डिकम्पोज करके बनाया जाता है। तो ये आपने राइस बियर देखा जो बोडो जौ गौरान है, मैब्रा जौ बिड़वी है और बोडो जौ गीशी है। अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स जिसको GI टैग में दिया गया है वो है आपका बोडो नफाम। तो इट इज़ अ पॉपुलर डिश मेड फ्रॉम फर्मेंटेड फिश दैट इज़ प्रिपेयर्ड एनरोबिकली इन ए सील्ड कंटेनर रिक्वायरिंग अ फर्मेंटेशन पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 months। एक एक आपको कम्प्लीटली हवा के अनुपस्थिति मतलब विदाउट ऑक्सीजन एक सील्ड कंटेनर में आपको फिश को रख दिया जाता है, उसको वहाँ पे डिकम्पोज बिना ऑक्सीजन का किया जाता है, और 2 से 3 महीने में बनने में समय ये लगता है। तो इसे नोडो नफाम कहते हैं। बोडो ओंडला, अ करी मेड फ्रॉम राइस पाउडर दैट इज फ्लेवर्ड
विद गार्लिक जिंजर सॉल्ट एंड अल्काली प्रोडक्ट्स। तो कुछ अल्काली प्रोडक्ट के साथ गार्लिक मिला दे, जिंजर सॉल्ट मिलाकर राइस पाउडर के साथ बनाया जाने वाला ये प्रोडक्ट है बोडो ओंडला। तो आपने देख रहे हैं कि बोडो से रिलेटेड जो है उसके फूड हैं, बोडो से रिलेटेड जो राइस है मोस्टली उनको ही ये जीआई टैग में जो 8 प्रोडक्ट्स लाया गया है, 3 राइस बियर और 5 फूड्स को लेकर बात कर रहे हैं। बोडो गौखा, इट इज़ आल्सो नोन एज गौका गौखी, इसको इट इज़ आल्सो नोन एज गौका गौखी। दिस डिश इज़ ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द बिसागु फेस्टिवल। वहाँ पे आसाम में जो बोडो ट्राइब के द्वारा जब उनके यहाँ जब बिसागु फेस्टिवल होता है तो उस समय आपको बोडो गौखा या गौका गौखी डिश लिया जाता है। तो इस डिश को भी गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए इसे जीआई टैग में ले लिया है। बोडो नार्जी, अ सेमी फर्मेंटेड फूड मेड विद जूट लीव्स। देव जूट लीव्स जो जूट के प्रोडक्ट होते हैं जो जिसे आपको बोरी वगैरह बनाया जाता है, जो जूट लीव्स से बनाया जा रहा है सेमी, उनको सेमी फर्मेंट पूरा डिकम्पोज नहीं किया जाता है, जिसको आप लीव्स को कह सकते हैं जूट लीव्स को, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस विच इज़ अ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन्स एंड एसेंशियल मिनरल्स। तो ये जूट का जो लीव है जिसके अंदर ओमेगा 3 है, फैटी एसिड, विटामिन्स है इसके अंदर, और डिफरेंट मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे इसमें जो पत्तों से बनाया जाने वाला सेमी फर्मेंटेड फूड है बोडो नार्जी। एंड एसेंशियली इसके अंदर मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। बोडो अरुणाई, अ स्मॉल इंट्रिकेटली डिजाइंड क्लोथ मेजरिंग बिटवीन 1.5 टू 2.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 0.5 मीटर वाइड। एक बोडो अरुणाई एक प्रकार का कपड़ा है जिसकी लेंथ लगभग 1.5 से 2.5 मीटर तक हो सकता है और इसकी विड्थ जो है 0.5 मीटर विड्थ होती है। तो ये एक प्रकार का कपड़ा है, इसे भी जीआई टैग में डाला गया है बोडो अरुणाई।